अदालत के आदेश से उसको कब्जा दिलवाना था प्रकट सिंह को, और कब्जा कार्रवाई पीसफुल हो गई थी। ये लोगों ने सहमति से खाली कर दिया था और अपना पाठी, उनका अपना पाठी आ गया था, सहमति से ही सब कुछ हो गया था। उसके बाद किसी ने साइड से अचानक हु हल्ला किया, पता नहीं क्या किया, तो कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। लेकिन अब शांति है, सब चले गए अपने घरों को, और गुरु ग्रंथ साहब भी चेक करवा दिया है, पाठी ने भी कर लिया है, और गांव के मौजूद लोगों ने भी सब कुछ शांति पी लिया, सब कुछ सेफ है, सब कंट्रोल में है। चोट वगैरह तो सर नहीं है ना किसी के? अब वो डड़े चले उधर से ईंट मारी हैं कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, वो एक तो मुलाजिम का पता लग गया, लेकिन मैं मिला नहीं क्योंकि मैं भीड़ में था। अब चेक करेंगे, हमारे एक दो कर्मचारी के लगी बताते हैं, कुछ लगे हमारे भी, लेकिन वो घातक नहीं थे, वैसे दोनों सारी साइड से निकल गए। कब्जा दिलवा दिया गया? कानूनी कार्रवाई हमने कंप्लीट कर दी अपनी। अब कब्जा किन के पास है? कोर्ट से जीते हुआ उसके पास है, प्रकट सिंह के पास है, प्रकट सिंह को दिलवा दिया हमने, कोर्ट के आदेश से दिलवाया है। तो स्थिति शांतिपूर्ण है सर? शांतिपूर्ण है, आप देख रहे हैं, आप यहीं खड़े हैं गुरुग्राम में। जी सर।